नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। एनडीए ने सर्वसहमति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सूत्रों ने एम्स की जानकारी दी है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता होंगे। इंडिया टुडे की सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एनडीए की बुधवार को हुई बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि एनडीए के सहयोगी दलों को कौन से मंत्रालय सौंपे जाने हैं। खबर यह है कि टीडीपी और जेडीयू ने गृह, रक्षा, वित्त, रेल जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग रखती है। एनडीए की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी को कहा, जल्द कीजिए, सरकार बनाने में देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा जल्द से जल्द करना चाहिए। उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि ये उनके एनडीए से बाहर नहीं जाने का सबसे बड़ा सबूत है। बैठक में एनडीए के सहयोगियों ने सर्वमति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। एनडीए के 21 सदस्यों द्वारा साइन किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि हमने सर्वसहमति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। बैठक में नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता लल्लन सिंह और संजय झा शामिल थे। आपको बता दें कि एनडीए की मीटिंग में सभी की निगाहें जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पर थी, जो इस बार सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल टीडीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 16 पर जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू ने बिहार की 40 में से 12 सीटें जीती और बीजेपी इस बार केवल 240 लोकसभा सीटों पर जीत के साथ बहुमत से पीछे रह गई है। सहयोगियों की मदद से एनडीए ने 293 सीटें हासिल की और बहुमत के आंकड़े को पार कर दिखाया। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं उनकी मांग की है, ऐसे में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से एनडीए या खास तौर पर कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कि अगर नीतीश कुमार अपनी मांगों पर अड़ जाते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू अपनी मांगों पर अड़ जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती होगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एनडीए इन सारे मामलों को कैसे निपटारा करता हुआ नजर आता है। क्या नीतीश कुमार की अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो वो फिर से इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं? यह भी देश की राजनीति में एक उठता हुआ सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।